रोमांच और रहस्य। काम पर एक दिन लीसा एक बड़े से बक्से के पीछे छुप गई। तभी गोलियों की एक बौछार ने उसके पीछे की दीवार का नक्शा बिगाड़ दिया। वो गोलियां उसके सर से कुछ ही ऊपर से गई थी। जैसे ही दूसरी तरफ से गोलियां कुछ देर के लिए रुकी, लीसा ने भी उठकर दूसरी तरफ कुछ गोलियां दाग दी। उसकी एक गोली एक बंदूकधारी के कंधे पर लगी और वह जमीन पर लुढ़क गया। जैसे ही गोलियों की एक बौछार उसकी तरफ आई, वो फिर से उस बड़े से बक्से के पीछे नीचे झुककर बैठ गई। स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। उसको घेर लिया गया था और उसके पास गोलियां भी खत्म हो रही थी। वो सोचने लगी कि वो मिशन कैसे इतना बुरा साबित हो रहा था। स्पेशल एजेंट लीसा पालर्मो को उस दिन एक विशेष काम दिया गया था। उसको उस गोदाम पर निगरानी रखनी थी जहां नशे के तस्कर अपना माल रखते थे। उसको गोदाम के किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करनी थी और उन पर दूर से ही निगरानी रखनी थी। वह एक साधारण सा काम था और कई दिनों से सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन उस सुबह उसको एक फोन आया था और उसको उस गोदाम में बुलाया गया था। उसको बताया गया था कि कुछ बड़ा होने वाला था वहां पर। वो दिखावे के लिए एक कंप्यूटर कंपनी में काम करती थी, पर उसने बहाना बनाकर वहां से छुट्टी ले ली थी और सीधी उस गोदाम की तरफ चल दी थी। जैसे ही उसने उस गोदाम के बाहर अपनी कार खड़ी की, एक गोली आकर उसकी कार को लगी और फिर उसके बाद गोलियों का आदान प्रदान शुरू हो गया था। वो उस बक्से के पीछे बैठी थी, पर वो उनके कदमों की आवाजें करीब आती हुई सुन रही थी। उसने अनुमान लगा लिया था कि करीब 9 बंदूकधारी थे वहां पर। निश्चय ही भाग्य उसके पक्ष में नहीं था। अचानक किसी के दूतों ने उसको बाईं तरफ देखने को मजबूर किया। बिना उसकी जानकारी एक बंदूकधारी उसके काफी पास आ गया था। उसने जल्दी से अपनी पीठ के बल गिरकर उस पर एक गोली दाग दी। वो जैसे ही नीचे गिरा, लीसा वहां से उठकर भागने लगी। उसने तुरंत ही उस बंदूकधारी की ऑटोमेटिक राइफल अपने कब्जे में ले ली। तब भी 8 दुश्मन बाकी थे। उनका लीडर जोर जोर से आदेश दे रहा था। वो सरगना उस क्षेत्र को घेरने को कह रहा था जहां लीसा छुपी हुई थी। वो फिर से उस बक्से के पीछे छुप गई, पर जैसे ही वो बाहर देखने की कोशिश करती थी, गोलियों की बौछार हो जाती थी। अचानक लीसा ने कुछ ऐसा किया जिसकी उन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो उठ खड़ी हुई और उसने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से सामने की तरफ गोलियों की बौछार ही कर दी और तब तक गोलियां दागती रही जब तक कई गोलियां समाप्त नहीं होगी। इस आक्रमण में उसने 5 लोगों को मार गिराया था। अब बचे थे 3 जो छुप गए थे, लेकिन अब लीसा खुश थी। तभी उनके सरगना ने चिल्लाकर कहा, तुम बचकर नहीं जा सकते हो। तुमने हमारे कुछ लोग जरूर गिरा दिए हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास गोलियां नहीं है और फिर हम 3 हैं और तुम अकेली हो। वो जानती थी कि तस्करों का सरगना ठीक कह रहा था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसकी पिस्तौल में तब भी 5 गोलियां बाकी थी। तभी आवाज आई, बाहर आ जाओ, हम गोली नहीं चलाएंगे। अच्छा ठीक है, वो एक आखिरी मौका लेना चाहती थी। तभी एक परिचित आवाज उस गोदाम में गूंजी, लीसा मैं जानता हूं कि तुम वहां हो। मैं जानता हूं कि तुम कुछ समय से हमारे काम पर नजर रख रही थी, लेकिन हम भी तुम पर नजर रख रहे थे। वो उस कंप्यूटर कंपनी के मालिक की आवाज थी जहां लीसा अपनी असलियत को छुपाकर काम कर रही थी। बाहर आ जाओ लीसा, तुम जानती हो कि तुम यहां से जिंदा नहीं निकल सकती हो। हम तुम्हें जिंदा रखें, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। लीसा चुपचाप बक्से के पीछे बैठी रही और स्थिति का जायजा लेने लगी। वो कहीं भी नहीं जा सकती थी। अब तो उसके कंपनी के मालिक को भी मालूम चल गया था कि लीसा एक स्पेशल एजेंट थी। जैसे ही वो अपनी पिस्तौल फेंकने वाली थी, उसने देखा कि उस लकड़ी के बड़े से बक्से का पिछला भाग थोड़ा सा खुला हुआ था। वो अंदर घुस गई और उसने लकड़ी के तख्ते को अंदर खींचकर बंद कर दिया।
और पूरे अंधेरे में बैठ गई। तभी एक आवाज आई, वो तो यहां नहीं है, वो जा चुकी है। वो लोग गोदाम में इधर उधर भागने लगे। जब उसको लगा कि वो लोग दूर जा चुके थे, वो जल्दी से उस बक्से से बाहर आ गई और बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी। जैसे ही वो बाहर निकली, उसके सामने तीन बंदूकधारी खड़े थे। इससे पहले कि वो अपनी अपनी बंदूकें सीधी करते, लिसा ने अपनी पिस्तौल ऊपर तान कर उनको ढेर कर दिया। तभी उसके पीछे से आवाज आई, हिलना मत। पीछे उसकी कंप्यूटर कंपनी का मालिक था। लिसा ने अपने गले के पीछे बंदूक की नली की ठंडक महसूस की और उसने पिस्तौल नीचे फेंक दी। लिसा ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। तभी उसकी कंप्यूटर कंपनी के मालिक ने कहा, तुमने मुझे बहुत निराश किया लिसा, तुम्हारे कारण मेरा बहुत पैसों का नुकसान हुआ है। मुझे अपने ड्रग्स को बिना तुम्हारी जानकारी विदेश भेजने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। मैं तुमको नौकरी से निकाल रहा हूँ। अचानक ही लिसा जमीन पर गिर गई और उसने अपनी पिस्तौल उठा लिया, पीठ के बल गिरकर गोलियां दाग दी। उसके मालिक ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी, गोली सीधे उसके माथे पर लगी थी। लिसा चिल्लाई, तुम मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते, मैं ही तुम्हारी नौकरी छोड़ रही हूं। लिसा, लिसा, एक बहुत जोर की आवाज आई और लिसा जो अपने डेस्क पर ही सर रख के रो रही थी, हड़बड़ाकर उठ गई। उसके सामने कंप्यूटर कंपनी का मालिक खड़ा था। सॉरी सर, बहुत सर दर्द हो रहा था और मैं कुछ देर सो रही थी। सो तो रही थी कोई बात नहीं, पर नींद में फिल्मी डायलॉग भी खूब बोल रही थी तुम। मैंने कितनी बार कहा है कि ये मार भाड़ वाली फिल्में देखना छोड़ दो और काम पर ध्यान दो। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। मालिक चला गया तो लिसा अपने सपने को याद करके मुस्कुराने लगी थी। वो इस बात से बहुत खुश थी कि उसने एक स्पेशल एजेंट के रूप में गोली सीधी उस मालिक के माथे के बीच मारी थी। वो मुस्कुराई और उठकर अपने लिए कॉफी लेने नीचे चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया।